subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास टेंथ. फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार. इस वीडियो में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम हेतु इंग्लिश का जो दूसरा सेक्शन है पोएट्री जिसे आप कविता कहते हैं तो उससे जो पहला चैप्टर है गॉड मेड द कंट्री, तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया है उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में बताऊंगा. दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो प्रोज सेक्शन था जिसमें टोटल 8 चैप्टर थे तो उन सभी का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है. आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश सेक्शन में उन सभी वीडियो को देख सकते हैं. मैं आपको बता दूं मैं हर एक चैप्टर से चाहे कितना भी बड़ा चैप्टर हो केवल 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे. तो आप हर एक चैप्टर का वीडियो देखिए, बहुत ही छोटा छोटा वीडियो है. और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में सब्सक्राइब का एक लाल बटन होगा उसे दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए. उसके बाद जो बगल में घंटी के निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके ज़रूर रखिएगा ताकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचाएगी. तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए चैप्टर जो है गॉड मेड द कंट्री, तो पोएट्री सेक्शन से अभी 8 चैप्टर है तो उसका भी वीडियो मैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले तक पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा. तो आप लोग रेगुलर वीडियो को देखिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि जो है हमारी मनोबल ऐसी ही बनी रहे और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूं. तो देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु रोट द पोएम, मतलब किसने ये पोएम लिखा गॉड मेड द कंट्री. तो आपको याद रखना है विलियम कॉपर के द्वारा गॉड मेड द कंट्री पोएम लिखा गया. ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा. दूसरा क्वेश्चन है कि गॉड मेड द कंट्री, कहता है कि भगवान ने जो है कंट्री बनाया, देश बनाया, एंड मैन मेड द, और मनुष्य ने क्या बनाया, तो मनुष्य ने टाउन बनाया, शहर बनाया. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा. तो दोस्तों अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा जिससे हमें ऐसे ही मनोबल बनी रहेगी और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मैं रेगुलर प्रोवाइड करवाता रहूँगा. तीसरा क्वेश्चन है कि द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि लाइफ इज बीटर, जीवन जो है वो कड़वापन है बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ, क्योंकि ये इट इज़ फुल ऑफ ट्रबल, क्योंकि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि द पोएट सेज दैट लाइफ इज बीटर बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. चौथा क्वेश्चन है कि गुड हेल्थ एंड वर्चू, है आपको पता होगा गुड हेल्थ का मतलब होता है अच्छी स्वास्थ्य और वर्चू का मतलब होता है सदाचार, अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं किसी से. तो कहते हैं कि अच्छी स्वास्थ्य और अच्छा व्यवहार कैन मेक आवर लाइफ, वो जो है हमारे जीवन को क्या बनाता है, तो स्वीट बनाता है, मधुर बनाता है. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वीट. पांचवा क्वेश्चन है फील्ड्स एंड ग्रोव्स, आपको पता होगा फील्ड्स का मतलब होता है खेत खलिहान और ग्रोव्स का मतलब होता है बाग बगीचा. तो फील्ड्स एंड ग्रोव्स कैन बी फाउंड, ये जो है पाया जाता है कहाँ, तो गाँवों में. तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विलेजेस, करेक्ट आंसर होगा बी. छठा क्वेश्चन है कि हेल्थ एंड वर्च्यू, मतलब स्वास्थ्य और जो सदाचार है कैन ओनली बी फाउंड इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्राम, गांव, देहात. तो इसका आंसर हो जाएगा कि कंट्री साइड में ही अच्छा स्वास्थ्य और सदाचार देखने को मिलता है. इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. सातवां क्वेश्चन है दोज हु मूव अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडंस नो मोर फैटीज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैटीज. फिर आठवां क्वेश्चन है कि द पोएट एडवाइसेस, पोएट जो है वो एडवाइसेस करते हैं किससे, द पीपल, पीपल से, लोगों से, पजेसेस देयर एलिमेंट्स, मतलब अपने एलिमेंट्स को जो है सुरक्षित करके रखें, अपने अधिकार में रखें. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नौवां क्वेश्चन देख सकते हैं डॉट 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 कंसोल्स एट नून, तो कहता है कि यहाँ पे ग्रोव्स जो है, ग्रोव्स जिसे आप बाग बगीचा कहते हैं, वो ज़्यादा ही सुहावना लगता है कब, तो नून, दोपहर में, एट नून. इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. फिर दसवां क्वेश्चन है कि द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ग्रोव्स आर प्लांटेड, ग्रोव्स बाग बगीचा जो है वो लगाए जाते हैं टू गिव सैड, वो जो है छाया देने के लिए, टू द किसको, तो वांडरर को, जो भी राही होते हैं उनको जो है छाया देने के लिए बाग बगीचा लगाया जाता है. इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा. फिर आगे देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न, द सोर्स ऑफ लाइट, कहते हैं लाइट का जो सोर्स होता है इन द विलेज, गाँव में, इन द इवनिंग, इवनिंग में, वो क्या होते हैं, तो मून बीम होते हैं, मून बीम. इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. फिर 12 नंबर प्रश्न है कि म्यूजिक इन द विलेजेस, म्यूजिक जो होते हैं गाँव में इज प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइड किए जाते हैं किसके द्वारा, तो आप सभी को पता होगा पक्षियों के द्वारा. गाँव में आप सुबह शाम देखते होंगे पक्षी जो है वो आवाज़ देती है और वो बहुत ही मधुर आवाज़ रहती है जो कि एक म्यूजिक की तरह लगती है. तो यही कहते हैं जो विलियम कॉपर जी इस पोएम को लिखे हैं, वो कहते हैं कि म्यूजिक इन द विलेजेस
इज प्रोवाइडेड बाय द बर्ड्स, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि पक्षियों के द्वारा जो है गाँव में म्यूजिक प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर 13 नंबर प्रश्न है द म्यूजिक इन द विलेजेस, विलेजेस में जो गाँव में जो म्यूजिक है हैव मोर हारमोनियस, वो बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही सुमधुर होता है, कहता है मोर हारमोनियस नोट्स, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नोट्स। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि द थ्रस डिपार्ट्स, यहाँ पे है द थ्रस डिपार्ट्स स्केयर्ड, जो थ्रस है थकान है, ये जो है डरा सा महसूस करता है, डिपार्ट्स करता है, तो इसका आंसर द थ्रस डिपार्ट्स स्केयर्ड हो जाएगा। और लास्ट वन क्वेश्चन को बताने से पहले मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि इन द टाउन द नाइटिंगल, नाइटिंगल इज, तो कहता है नाइटिंगल क्या होता है, म्यूट होता है, नाइटिंगल का मतलब होता है जो आप रात को बुलबुल जानते होंगे, एक पक्षी का नाम है, तो कहता है शहरों में जो है वो पक्षियां या बुलबुल समझिए वो म्यूट रहती है, शांत रहती है, उसका आवाज़ सुनने को नहीं मिलता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लेते हैं अलविदा, जय हिंद जय भारत।